तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा प्री, ठीक है, जो 2020 में आया है उसका, या जिनको मेंस देने जाना है, साथ में जो ईएसआई का सेट है और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, चूंकि ये तीनों चारों एक ही आयोग के द्वारा सेम सिलेबस है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए सफिशियंट है। दूसरा, इस जो ये सीरीज है केबीसी नैनो का, इसका जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है, इसीलिए इस सेट को तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। साथ में बिहार एसएससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो और बेस्ट है कि आप लोग आसान प्रश्न बोल रहे थे, तो अब आपको एक अच्छे लेवल का प्रश्न देखने को मिल रहा है। ये फुल सेट है, मैं 100 प्रश्न को ला रहा हूँ और 7:30 बजे मिलता है। एक आध दिन बीच बीच में लेट हो जाती थी, कल आपको 7 मिला था, 4-5 में बताया था, रीज़न क्यों बताया था नहीं आया था, तो आज 4 आया है, ठीक है, तो कल हम लोग 5 इसी तरह से देखेंगे। चलिए, पहले प्रश्न से पहले बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इतना समय दूंगा ना जो आपको सोचने के लिए सफिशियंट होगा। अगर उससे भी ज़्यादा समय लगता है तो आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर लेना है। आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है? देखिए, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, ना जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? देखिए, एक होता है डॉपलर जो प्रभाव होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर ट्रैफिक, इसी से हम लोग जो कृत्रिम उपग्रह है उसको ट्रैक करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे महंगी धातु है? यहां पे आपको दो चीज सोचना है, ठीक है, सबसे महंगी धातु, यहां पे धातु का बात किया जा रहा है, लेकिन अगर आपका दिमाग लग रहा है कि मैं बता रहा हूं, आपका दिमाग अगर लग रहा है, आप सोच रहे हैं एडोहेड्रल फ्लोरीन, तो ये सही में ये सबसे महंगा है, लेकिन ये एक कार्बन पदार्थ है, इसलिए यह धातु में हम लोग नहीं काउंट करेंगे। अगर बात करें धातु में ना, तो धातु में हम लोग किसका, तो धातु में हम लोग ऑप्शन बी कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम जो 252 है इसको कंसीडर करेंगे। देखिए, 1 ग्राम जो कैलिफोर्नियम होता है ना, इसका कीमत है आपको 170.91 करोड़, तो आप समझ सकते हैं कितना महंगा होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं? क्या होते हैं, तो यह सौर सेल होते हैं, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीएनजी है, सीएनजी का यहां पे आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सीएनजी क्या है, तो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला प्रश्न है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? दूध का धवल रंग, देखिए दो बातें हैं यहां पे, एक तो दूध का धवल रंग, तो दूध का धवल रंग और दूध का पीला रंग, तो दूध का पीला रंग किसके, तो कैरोटीन के वजह से, और दूध का धवल रंग किसके वजह से, तो कैसीन की वजह से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी परत होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जास्ते की। अगला प्रश्न है, पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा आपको नया जगह है तो थोड़ा सा समस्या होगी, ठीक है, कहां पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, कांच है, कांच क्या है? कांच क्या है, यह एक अति स्थितित द्रव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संक्रमण से शरीर के किसके सहयोग से लड़ता है? संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है, किसके सहयोग से, तो प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, शरीर का उपयोग किया, शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो प्रकाश संचरण हेतु, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, तो यह प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नांगल किसके लिए जाना जाता है?
नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए? तो ये आपको, यह एक उर्वरक संयंत्र है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उर्वरक संयंत्र। बोले तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड क्या जो 6 इकाई है उसी में 2 नांगल इकाई है। अगला प्रश्न है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कठोर जल कहलाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमीटर से। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। देखिए ग्रेनाइट क्या फास्फोरस का अयस्क नहीं है, ठीक है, जबकि यहीं पे बात करें, देखिए फास्फोरस का नाइट्रोजन का अनुरूपण यानी क्या होता है, एनालॉजी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची एक में क्या है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के जो समकालीन नरेश है वो है और उनके राज्य आपको दिए गए हैं, तो अब चलिए यहां से चुनिए। देखिए धनंजय, जो धनंजय है ना, इनका जो राज्य क्षेत्र था वो था कुस्तलपुर। धनंजय का राज्य क्षेत्र कहाँ था? कुस्तलपुर। ये हमको नहीं लगता है कि आप सब लोगों को पहले से पता होगा। नीलराज, नीलराज का कहाँ था? तो अमुक्त में था, अमुक्त बी का एक। सी उग्रसेन, उग्रसेन का था पलक्का, उग्रसेन आपको पता होगा पलक्का। और जो बच गया डी, तो डी का क्या आ जाएगा? दो, विष्णु गोपा का हो जाएगा कांची। तो 3-1-4-2, देखिए 3-1-4-2 किसमें? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था, किस कला को जहांगीर ने संरक्षण दिया था? जहांगीर के समय क्या था? चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है। और इनके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, फारूक बेग, दलत मनोहर एवं बिशन दास, ये सब प्रमुख जो थे चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया जाता है, कितने वर्षों में पूरा किया गया था? तो ये 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, कहाँ? तो मेगस्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका, उसी में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से होता है। अगला प्रश्न है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड जॉर्ज। अगला प्रश्न है, वघेरा विद्रोह कहां हुआ था, वघेरा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? देखिए वघेरा विद्रोह का अगर बात करें हम लोग तो 1819 और 20 में हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? तो वघेरा बड़ौदा गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, तो इसको देख के ही आपको पता चल गया होगा अब तक, लोथल जो बंदरगाह है गुजरात के भोगवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था,
किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के अधिनियम के तहत। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुए थे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। टोटल 8 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट। पहला जो था वो था केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, और दूसरा यहीं पे था प्रांतों में द्वैत शासन का समाप्त। देखिए प्रांत जो थे छोटे छोटे, वहाँ पे द्वैत शासन समाप्त हो जाता है, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाती है, दो चीज़। तीसरा अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था, ठीक है। चौथा आपको जो प्रांतीय विधानमंडल का वो विस्तार किया गया है। पाँचवा प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया, ठीक है। छठा विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी, ठीक है। जो सातवां है वो आपका है जो म्यांमार है आज का, पहले उसको बर्मा बोलते थे, बर्मा का क्या हुआ, भारत से पृथकीकरण हुआ, मतलब भारत से उसको अलग कर दिया गया। जो आठवां था एक संघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। देखिए करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। महात्मा गांधी उस समय कहते या तो आप आज़ादी की लड़ाई कर लो और नहीं तो अंग्रेज तो ऐसे मार ही रहे हैं, तुम सब मरते रहो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन का बात हो तो 8 अगस्त को याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को ये काम हुआ था। अगला प्रश्न है इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, किसने बनवाया था? तो देखिए नूरजहां बनवाए थे, और नूरजहां के कौन थे, इत्मादुद्दौला पिता थे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण इतना बार मैं करा चुका हूं कि अब तक आप इस पे टिक लगा दिए होंगे, क्या सोशलिस्ट पार्टी से। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो चलिए ये भी प्रश्न मैं आपको बहुत बार करा दिया हूँ, आपको अब तक इसको भी टिक लगा दिए होंगे, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, बताना है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, कौन थे, चर्चिल थे। अगला प्रश्न है बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हुई थी, अखिल भारतीय व्यापार संघ बोले तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, कब हुआ था, तो 1920 में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए मैं ऐसे प्रश्न बोलता हूँ आपको, जो आता है पहले उसको तो काटिए कि कौन आपको आता है। तो गांधी इरविन समझौता ये तो सही है, ये आप सब जानते हैं। दूसरा करजन जो लॉर्ड करजन था, यंग हस्बैंड मिशन ये भी सही है, ठीक है। लिट्टन दिल्ली दरबार, नहीं लिट्टन दिल्ली दरबार नहीं, दिल्ली दरबार से कौन एसोसिएटेड है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यानी ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, यानी सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के अनुसार दिए गए कूट से चुनिए। सबसे जो पहला है आपको है यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय वन, ये सब चीज़ है, थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ, आप इसको मिलान कीजिए। देखिए उष्णकटिबंधीय वन ये कहाँ पे है, तो ये आपको साइलेंट वैली में, यानी एका चार हो जाएगा। आपको मैं बात करूँ शंकु वृक्ष वन, तो शंकुधारी वन आपको कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, यानी हिमाचल प्रदेश, तो ये भी सही है, यानी शंकु वृक्ष वन कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति आपको कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन, पतझड़ वन आपको मिलेंगे मरुस्थली में, तो देखिए डी का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी का, कच्छ वनस्पति आपको कहाँ पे हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, यानी 4 2 1 3, देखिए 4 2 1 3 किस में है, तो 4 2 1 3 ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, आपको बताना है कौन सा राज्य है जो 70% कॉफ़ी अकेले पैदा करता है, कौन है, तो कर्नाटक है। अगला प्रश्न है सूची एक सूची दो को मिलाना है, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं पढ़ूंगा, आप लोग मिलाइए।
सबसे पहले है आपका माउंट एटना, तो सिसिली एक द्वीप है, सिसिली द्वीप के पास से निकलती है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। एका चार। दो है विसुवियस, तो विसुवियस कहाँ पे है, ये इटली के पास है, तो ये सबको पता है। अब आ गया यूरिबस, तो यूरिबस है नया चीज़ है, नहीं पता होगा तो आप दो से भी इसको टिक लगा सकते थे, लेकिन यूरिबस का जो है वो याद रखिए रास द्वीप, यानी तीन का एक, और कोटोपैक्सी तो इक्वेटर, पैडर है एक पैडर, लेकिन इक्वेटर आप ऐसे याद करके रख सकते हैं। तो चार तीन एक दो, अब देखिए चार तीन एक दो किस में हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे है, कहाँ पे है, तो ये पूर्वी डेक्कन में। अगला प्रश्न है भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, किस चीज़ के उत्पादन के लिए, किस चीज़ की, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा कपास के लिए। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात आप सब किए रहते हैं, ना ही महाराष्ट्र है ना ही गुजरात है, अब बताइए क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट रिवीजन कीजिए, मैं कितना बार कराया हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है, औसतन लवणता सर्वाधिक आपसे पूछ रहा है किसमें है, देखिए अगर सागर की बात है तो क्या हो जाएगा मृत सागर, मृत सागर की अगर लवणता की बात की जाए तो 238% है, लेकिन अगर झील की बात हो तो क्या हो जाएगा वोन झील 330%, ठीक है सबसे ज़्यादा वहीं पे है, लेकिन वोन झील तो है नहीं। अगला प्रश्न है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है, ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि होता है, ठीक है किसी भी लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें नदी टीक लगाएंगे जो गलत है। अगला प्रश्न है सूची एक सूची दो, मैं अब पढ़ूंगा नहीं किसी भी सेट में, इधर आपको वन का प्रकार है और दूसरी तरफ प्रदेश है, अब आपको मिलाना है कि कौन सा किधर में है। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, शिलोंग पठार सह्याद्री, शिलोंग पठार और सह्याद्री, यानी ए का दो हो जाएगा। दूसरा है मानसून, तो मानसून से आप क्या छोटा नागपुर पठार, मानसून क्या छोटा नागपुर पठार, यानी बी का एक, और सी है आपको शीतोष्ण वन, तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, तो पूर्वी पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, यानी आपको चार हो जाएगा। और डी हो गया कच्छ, कच्छ यानी मैंग्रोव, तो मैंग्रोव कहाँ है, पश्चिम बंगाल का तराई, तो यानी डी का आपका तीन हो गया, दो एक चार तीन। चलिए देखिए दो एक चार तीन किधर है, तो देखिए दो एक चार तीन किस में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, ये बहुत सही आंसर है। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें ना, तो पश्चिमी घाट में इन्हें क्या कहते हैं, तो कोंकण तट बोलते हैं, ठीक है कोंकण तट, ना ही पूरा कर्नाटक का हिस्सा है ना ही पूरा महाराष्ट्र का हिस्सा है, इसलिए ये क्या कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, ठीक है आप लोग सह्याद्री नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, क्या हो जाएगी, तो चावल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है, कब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, देखिए जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो अब राज्य नहीं अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगला प्रश्न है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो निक्षेपणीय स्रोत से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्बू बाजगो निम्नलिखित बांध, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है,
किस नदी पे है? तो ये सिंधु नदी पे स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे पीएन भगवती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से सूची एक सूची दो हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा हम लोग आएंगे प्रश्न पे। ये पानी की वजह से ऐसा इसका पेज का जो हो चुका है, ठीक है, तो मैं किसी तरह कोशिश किया आयरन वायरन करके कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, तो हो गया है काम चलने लायक। देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन आप सबको पता है 38वां संविधान संशोधन 1975, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटाया जाना। देखिए, आप सब बहुत क्लियरली जानते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 का, इसी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, यानी बी का 4 आपको दिखेगा 44वां। देखिए, तीसरा है मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करना, तो ये क्या है, ये 61वें संविधान संशोधन में हुआ था, बच गया उद्देशिका के में, तो उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ना, तो पंथ निरपेक्ष किसमें, तो 2 में। तो अब सोच लीजिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-4-1-2। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, यानी बीआर मेहता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? दो ही तो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21, में कितना बार पढ़ाया हूं आप लोगों को। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए, सबसे पहले आएगा आपको सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद आएगा महादेव, महादेव के बाद आएगा मैकाल, मैकाल और उसके बाद आएगा छोटा नागपुर। चलिए यहीं पे बात करते हैं। तो देखिए, महादेव का जो सबसे उच्चतम जो इसमें श्रेणी है, उच्चतम पीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धूपगढ़ी, और छोटा नागपुर का आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? किसमें हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं यहां पे आके, उनको बोलने के लिए सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? किस परिस्थितियों में? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के केस में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, ये आपको बताना है। और बहुत आसान प्रश्न है, मैं इससे पहले कितना हमको लगता है कि 30-35 बार से ज्यादा करा दिया हूं इस प्रश्न को। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो मुझे लगता है अब तक आप बना लिए होंगे क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। और बात करें अटॉर्नी जनरल का, तो इनका जो अनुच्छेद होता है वो होता है 76। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? अब मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद में विधेयक लाके, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाके। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? किनके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। और पूछा जाता है अनुच्छेद कौन सा है? तो 331। क्या है 331? 331 के अनुसार 330 और 32 अनुच्छेद क्या है? मैं कितना बार पढ़ाया हूँ, SC ST का 330 जो है वो आपको SC ST का जो रिजर्वेशन है सीटों की संख्या उसके बारे में लोकसभा का, और 332 है वो है विधानसभा का। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो केंद्र और राज्य के बीच वित्त से। यानी अब इससे पूछा जाता है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? चलिए, इस प्रश्न को मैं जब भी बताया हूँ, ये प्रश्न आया है, मैं हर चीज बताया हूँ आपको, तो आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। मैंने क्या बताया था? जब राष्ट्रपति नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम जज होंगे और मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे मैक्सिमम 6 महीने के लिए, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, हाँ चलिए मैं थोड़ा सा इधर भी दिखा दिया आपको, अब आपको आइडिया लग सकता है। चलिए, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सही है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो ये भी सही है। यानी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? कौन सा लक्षण है? तो यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जून 2002 में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था, लेकिन अप्रैल 2002 में यह लागू हुआ था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है, ये आपको बताना है कहां से? इंडेंट से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्यूरेंस शब्द संबंधित है किससे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका? तो सरोवरीय मैदान का। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। किसका समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र है, वो एक मेन समस्या है। अगला प्रश्न है, शब्द संक्षिप्त ट्रिम्स से क्या बनता है? हिंदी में है तो मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा इस चीज को।
देखिए क्या हो जाएगा, व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? कौन सा उपागम? तो सक्षमता उपागम, और ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपसे अगर नहीं मिला है तो ये गलत बात है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, वीडियो पॉज करना है। तो 78 का जो आंसर होगा, 78 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये भी हो जाएगा ऑप्शन सी। 82 का होगा ऑप्शन सी, और 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 85 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा, चलिए जो लोग आप लोग में से अब तक बिहार से सीखे हैं वो पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उनको रिवीजन कीजिए, और जिनको इसका मैथ का सॉल्यूशन चाहिए मैं भेज दूंगा। कल नहीं भेज पाया था क्योंकि मुझे कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं आया था, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से कुछ ऐसा होता है तो मैं भेज देता हूँ, लेकिन कुछ आया नहीं था इसलिए मैं छोड़ भी दिया। तो 85 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। 86 का देखिए, 86 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 87 का ऑप्शन डी करेक्ट है, और 88 का सेम हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी, 88 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 में थोड़ा सा टाइम दूंगा आप लोगों को, ये पजल है तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए 89 का क्या हो जाएगा, तो 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन सी, और 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बात करते हैं 92 का, तो 92 का ऑप्शन होगा, 92 का होगा ऑप्शन सी, 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 94, देखिए मैथ और रीजनिंग यहाँ सुविधा नहीं है पढ़ाने का, इसलिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट भी इसको दे देता हूँ ताकि आप लोग सोल्व कर लिया कीजिए। 94 का आंसर डी हो जाएगा। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 98 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, चलिए मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा, तो 100 का भी ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न को देखे हैं, और आप लोग में से जरूर अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताया कीजिए। चलिए फिलहाल यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा और बाय बाय।